Morning, everybody. Can everyone hear me? A very good morning to all of you. Yes, good morning, good morning. Good morning, everyone. Everyone is here on time. So good to see everyone. चलो चलो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग को आवाज़ आ रहा है क्या. इज एवरीथिंग फाइन. गुड मॉर्निंग राहुल. गुड मॉर्निंग सृष्टि. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. सो गुड टू सी एवरीवन ऑन टाइम. सो गुड टू सी एवरीवन. गुड मॉर्निंग श्रुति. गुड मॉर्निंग राजर्ष. गुड मॉर्निंग नमिषा. Achala, good morning. Achala is my dear student from Solapur. How is everybody? Okay. Now, since I've got response from everyone that you can hear me clearly, so good morning. This is Professor Karan Agarwal from Akash Agarwal Classes. I welcome you all. आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर रहेगा. जैसे कि आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन है भी, आप लोग को पता भी है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लॉजेस टुडे. आज का जो आई एम फाइन एवरीवन. यस यस आई एम फाइन. आई एम फाइन. चलो चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं. चलो. यस आई एम. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अभी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना. ठीक है, आप लोग भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ. आवाज़ आ रहा है मुझे, कमेंट्स आ रहे हैं. सो लेट अस जस्ट बिगिन विद द लेक्चर. यस गुड मॉर्निंग. यस गुड मॉर्निंग. ऑल फाइन. यस यस लेट अस बिगिन. सो एज यू ऑल नो आई एम करण सर फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस. आकाश अग्रवाल क्लासेस इज बेस्ड इन विश्रांतवाड़ी. बहुत लोगों को ये पता ही है. मेरे स्टूडेंट्स से काफ़ी आउट स्टेशन स्टूडेंट्स भी है. सो वी आर बेस्ड इन विश्रांतवाड़ी इन पुणे. एंड वी हैव कोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम द 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड फॉर द स्टेट बोर्ड, 11th, 12th कॉमर्स फॉर द स्टेट बोर्ड एंड ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोचिंग क्लासेस. यस सो वी आर अ प्रीमियम कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर हमारे पास इतने सारे कोर्सेज हैं. आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है बाय द नेम ऑफ क्लॉजेस. यस वी आर गोइंग टू स्टडी क्लॉजेस टूडे. एंड मैंने ये जो फर्स्ट लेक्चर है आज मेरा इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है, जो आज से स्टार्ट हो गई है इनफैक्ट. तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज. एंड जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो माई यंगर ब्रदर आकाश सर हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा सा एक अच्छा वाला टॉपिक ले, थोड़ा सा ईजी वाला टॉपिक ले स्टार्ट करते हुए. क्लॉजेस क्यों ले रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है. एंड दिस इज अ जनरल फीलिंग अमंग स्टूडेंट्स ऑल्सो कि क्लॉजेज है तो सर बहुत डिफिकल्ट है, सर आम क्लॉजेज ये नहीं, सर आम क्लॉजेज जमत नहीं, डिफिकल्ट लगता है. तो इवन आकाश सर वॉज ऑफ द ओपिनियन कि भैया क्लॉजेज क्यों ले रहे हैं, डिफिकल्ट है, पहले ही लेक्चर डिफिकल्ट वाला क्यों ले रहे हैं. सो आई सेड अरे पहले ही लेक्चर डिफिकल्ट वाला टॉपिक अगर मैं ईजी कर दूंगा तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा. फर्स्ट लेक्चर इट्सेल्फ अगर मैं एक डिफिकल्ट टॉपिक को एकदम आसान बना देता हूँ तो द कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई. एंड दैट इज वॉट आई एम हियर टू डू. हम लोग आज क्लॉजेस पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि हमको फिर से कभी क्लॉजेस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. और इस तरीके से हम इतना ईजी करेंगे हम लोग टॉपिक को, इतना अच्छे से उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे दैट विल नॉट हैव टू स्टडी दिस टॉपिक अगेन. यस सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर. हम लोग आज का क्लास चालू करेंगे. इट इज़ ऑन क्लॉजेस, इंग्लिश ग्रामर क्लॉजेस. ओके लेट अस बिगिन. अच्छा सबसे पहले नोट्स ना बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर, लेक्चर के ऊपर फोकस करें. नो नीड ऑफ मेकिंग नोट्स. लेट योर फोकस बी एंटायरली ऑन द स्क्रीन. नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द PDF ऑफ द नोट्स. मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगा नोट्स का, जिसमें जो भी मैं आज सिखाऊंगा वो पूरा विस्तार से, पूरा डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर नोट्स मिल जाएगी आप लोगों को. इट इज़ बेटर कि अभी आप सिर्फ लेक्चर पे फोकस करेंगे, क्यों आप नोट्स बनाने जाओगे तो आप लोग का फोकस थोड़ा सा हट जाएगा.
मैंने लेक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, इन अ डेज टाइम मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स का, चैनल पर भी रहेगा, व्हाट्सएप पर भी आ जाएंगे आप लोगों को, फ्रॉम देयर आप लोग को हेल्प हो जाएगा। एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ लेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे, नो नीड ऑफ मेकिंग नोट्स। ओके, अगर कुछ इश्यू आता है तो कमेंट सेक्शन में, आई हैव द कंसोल इन फ्रंट ऑफ मी, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। राइट, चल लेट अस बिगिन। गणपति बप्पा का नाम लेंगे और काम चालू करेंगे। ओके ओके, सो सबसे पहले क्लॉजेस जो है, जो एग्जाम में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स है, सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम्स है, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 11th 12th, हर जगह पर ये क्वेश्चन जरूर आता है कि आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट इट्स काइंड। सो ये जो क्वेश्चन है, ये हमेशा जब भी आएगा, जब भी सेंटेंस आएगा, इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। राइट, हम लोग को पता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। राइट, तो जब भी एक क्वेश्चन आएगा क्लॉजेस के ऊपर कि फाइंड आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट इट्स काइंड, तो हमेशा द सेंटेंस विल बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जब सीरीज आएंगी तब मैं आप लोग को डिटेल में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बताऊंगा। एज ऑफ नाउ हमको यही समझना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा, एंड एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमेशा देर आर टू क्लॉजेस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विल ऑलवेज कंटेन टू क्लॉजेस, इट विल हैव टू क्लॉजेस, इट विल डिवाइडेड इनटू टू क्लॉजेस। नंबर वन विल बी द मेन क्लॉज एंड द सेकेंड वन विल बी द सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा दो क्लॉजेस में डिवाइड रहता है, दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। अगर क्लॉज नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम लोग पार्ट ये शब्द वापरेंगे, विल यूज द वर्ड पार्ट। इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट विल बी अ मेन क्लॉज, द मेन पार्ट, एंड द सेकेंड विल बी अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। फॉर स्टार्टर्स हम लोग सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी हम मेन क्लॉज क्या है ये पढ़ेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय अ मेन क्लॉज, व्हाट इज अ मेन क्लॉज, नाम ही मेन है। देखो मेन क्लॉज क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मैंने कहा कि सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मेन क्लॉज वो पार्ट है सेंटेंस का विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मेन क्लॉज इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज मेकिंग कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल आएगा तब और डिटेल में समझ में आएगा, अभी से इतना ध्यान रखो। मेन क्लॉज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस विच मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट। दो पार्ट है, मेन क्लॉज ऐसा पार्ट है जो दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट वाले पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। इट हैज इट्स कंप्लीट सेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप उसको मेन क्लॉज भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पर लिटरेचर में उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला गया है। मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज वन एंड द सेम थिंग, नाम ही बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। राइट, लेट्स सिंप्लीफाई दिस विद एन एग्जाम्पल। एक दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एकदम सिंपल हो जाएगा। याद रखेंगे मेन क्लॉज मेक्स कंप्लीट सेंस, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस, द प्रिंसिपल अराइव्ड व्हेन द फंक्शन बिगैन। सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सेंटेंस है। द प्रिंसिपल अराइव्ड व्हेन द फंक्शन बिगैन। नाउ लुक एट दिस पार्ट केयरफुली, मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है जो बोल्ड में है, द प्रिंसिपल अराइव्ड, लुक एट दिस पार्ट केयरफुली। अगर मैं इस सेंटेंस को यहीं पर फुल स्टॉप लगा देता हूँ, द प्रिंसिपल अराइव्ड फुल स्टॉप, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मेकिंग कंप्लीट सेंस, एंड द रिमेनिंग पार्ट व्हेन द फंक्शन बिगैन। इसको ध्यान से देखो, अगर इस पार्ट को मैं देखूँ केवल व्हेन द फंक्शन बिगैन, दिस पार्ट इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस। व्हेन द फंक्शन बिगैन फुल स्टॉप है, ये पार्ट को देखेंगे तो कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा है, बट सिर्फ इस पार्ट को देखेंगे द प्रिंसिपल अराइव्ड फुल स्टॉप, कोई आपको बोलता है द प्रिंसिपल अराइव्ड फुल स्टॉप, तो इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। सो ये जो पार्ट सेंटेंस का है जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इट इज द मेन क्लॉज। दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारा मेन क्लॉज है। सिंपल, समझ में आया सब लोगों को मेन क्लॉज क्या है ये समझ में आया? चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ समझ में आया क्या मेन क्लॉज क्या है। तब तक मैं यहां पर से इसको इरेज कर देता हूं। मेन क्लॉज इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच मेक्स कंप्लीट सेंस, बस और कुछ नहीं। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जस्ट टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। सॉरी, ओके ग्रेट, ठीक है ओके ओके ओके
चलो हम लोग जब मुझे काफ़ी सारे येस आ चुके हैं तो एक और एग्जांपल देखेंगे। देखो दो तीन एग्जांपल्स रखेंगे ना दिमाग में तो बहुत सिंपल हो जाएगा, दिमाग में कन्फ्यूजन ही नहीं आएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। सिंप्लीफाई करने की चीज़ों को अपने को एकदम सिंप्लीफाई करना है। सेकेंड सेंटेंस, अनदर एग्जाम्पल, ऑल्दो शी ट्राइड शी कुड नॉट सक्सीड। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस अगेन केयरफुल, एकदम ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस को। दो पार्ट्स, एक है फर्स्ट पार्ट इज ऑल्दो शी ट्राइड। क्या है, कभी कभी कंप्यूटर है ना बहुत अजीब बिहेव करने लग जाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑल्दो शी ट्राइड एंड द रिमेनिंग पार्ट इज शी कुड नॉट सक्सीड। अभी जो मैंने बोल्ड में किया हुआ है शी कुड नॉट सक्सीड, इसको ध्यान से देखो, शी कुड नॉट सक्सीड फुल स्टॉप। अगेन अ कंप्लीट सेंटेंस, हैज इट्स ओन मीनिंग, दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये पार्ट अकेला भी आ जाता है शी कुड नॉट सक्सीड तो इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस विच मेक्स सेंस, उसका अपना एक मीनिंग है, इसीलिए ये हो जाता है मेन क्लॉज। ऑल्दो शी ट्राइड, अभी इस पार्ट को देखो, ऑल्दो शी ट्राइड ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, राइट। सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो मैंने बोल्ड में मार्क किया ये बन जाता है आपका मेन क्लॉज, राइट। तो अभी तक चीज सिंपल चल रही है, सेंटेंस के दो पार्ट्स है जिसमें से हमने पहला पढ़ा है मेन क्लॉज। अभी बढ़ते हैं आगे, जो दूसरा पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको ध्यान से देखेंगे। ये दोनों चीज समझ में आ गई ना, समझो 50% काम हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका अपना पूरा मीनिंग नहीं है, ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग, इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। अगर वो अकेला आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेला आएगा, इट विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इट विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग। उसको किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, किसका चाहिए, सब मेन क्लॉज का सहारा चाहिए, इसीलिए उसको बोला जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज। सिंपल, समझ में आ गया सब लोगों को? चलो इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल देखते चलो। दिस इज द बॉय हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम। सबसे पहले तो एग्जाम्पल सुन के मेरे को क्लास के दो तीन मेरे बॉयज लोग याद आ गए, पता नहीं क्यों, एग्जाम्पल पढ़ते ही मेरे आंखों के सामने मेरे दो तीन स्टूडेंट्स का एकदम इमेज, चेहरा ही मेरे आंखों के सामने आ गए। आई विल नॉट टेक द नेम, बहुत लोग समझ में आ ही गया रहेगा सब लोगों को, बट स्टिल ओके। चलो अभी वापस से फोकस, दिस इज द बॉय हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, दिस इज द बॉय फुल स्टॉप कंप्लीट मीनिंग, हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क होता तो कंप्लीट सेंटेंस होता। हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, इट इज अ फुल स्टॉप। नाउ दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, इसका पूरा एक अर्थ नहीं है। अगर ये पार्ट हम लोग अकेले पढ़ेंगे, इफ दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस कम्स अलोन, हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम फुल स्टॉप, इट इज नॉट हैविंग इट्स कंप्लीट मीनिंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज, दिस इज द बॉय हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम, दैट इज वाई इसको हम लोग बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल, समझ में आया सब लोगों को, राइट। सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेला आया तो उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, हमेशा इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर कंप्लीट मीनिंग, राइट। अनदर एग्जाम्पल, एक और ले लेते चलो। आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट, लुक एट दिस, ये वाला पार्ट देखो, सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट। अगर इतने पार्ट सेंटेंस को देखते हैं हम लोग, सिर्फ इतना ही सेंटेंस आता है, सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट, इट इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसको आई सैट डाउन का सपोर्ट चाहिए, मतलब मेन क्लॉज का सपोर्ट चाहिए। अकेला अगर ये हिस्सा आएगा, डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, दैट इज व्हाई इट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आया सब लोगों को? मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आया? चलो फटाफट, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इंपॉर्टेंट चीज, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज कंप्लीट सेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच मेक्स कंप्लीट सेंस, उसको अकेला भी पढ़ेंगे तो भी वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, अकेला पढ़ेंगे तो उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सीरीज में देखने ही वाले हैं। इतना समझ में आएगा चलो मुझे फटाफट बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ग्रेट फैंटेस्टिक, आई कैन सी सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, नाइस टू सी एवरी वन. स्लोली स्लोली हम लोग अगले हाफ एन आवर में, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स में, वी विल कंप्लीट क्लॉसेस. ऐसा पढ़ेंगे हम लोग कभी जिंदगी में सोचे. तुम्हारे छोटे भाई बहनों को नहीं क्या तुम सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चों को भी तुम सिखा पाएंगे. अगर आज अच्छे से हमने सुन लिया तो दिस विल बी इन योर मेमोरी, दिस विल बी इन योर यू नो इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इतना सिंपल करेंगे हम इस चीज़ को, एकदम सोपा करने वाले हम लोग इसको. देखो इवन आई हैव स्टडीड दिस फ्रॉम माई टीचर्स इन माई स्कूल, तो मुझे तब से ये तरीका याद है, ये जिस तरीके से उन्होंने सिखाया वो याद है. तो उस टाइम पर फोकस था, ध्यान दे रहा था, इसलिए आज तक मुझे ये चीज़ याद है. एंड द सेम विल अप्लाई टू यू पीपल. अगर आज हम लोग अच्छे से इस चीज़ को सुनेंगे समझेंगे तो वो अपने दिमाग में फिट बैठ जाएगा. एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट. ऐसा ग्रामर ऐसी चीज़ है जो रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ रहती है, डेवलप करना पड़ता है. तो कुछ रूल्स रहते हैं, अगर वो रूल्स हम लोग समझ जाते हैं तो ग्रामर बिकम्स ईजी, राइट. एंड दो मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आइडेंटिफाई एंड स्टेट इट्स टाइप, आइडेंटिफाई द क्लॉज एंड स्टेट इट्स टाइप. इट इज़ अ टू मार्क क्वेश्चन, मिनिमम दो मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही. एट स्टैंडर्ड का रहने दो, नाइन्थ का, टेंथ का, इलेवेंथ का, ट्वेल्थ का, इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्लॉजेस आते हैं. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी वन, राइट. ये वाले दो मार्क आने ही चाहिए, मिस होने ही नहीं चाहिए. ये दो मार्क 100% जब भी कभी इंग्लिश का पेपर दोगे ये दो मार्क हमको हमेशा मिलने ही चाहिए, राइट. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हमने देख लिया मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज. अभी विषय ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आइडेंटिफाई द सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट इट्स टाइप. दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि आइडेंटिफाई द सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट इट्स टाइप. तो एक्चुअली जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉजेस. हमको सबॉर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करना है और उसका टाइप बताना है. मेन क्लॉज के कोई टाइप नहीं रहते, समझो इस बात को. मेन क्लॉज का कोई टाइप नहीं रहता, मेन क्लॉज है, उसके कोई टाइप्स नहीं है. सबॉर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स रहते हैं. सो हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस इज टू आइडेंटिफाई द सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड टू टेल इट्स टाइप. वो कौन सा टाइप है? तीन टाइप्स है सबॉर्डिनेट क्लॉजेस के. पहला है नाउन क्लॉज, फिर है एडजेक्टिव क्लॉज एंड द थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज. तीन टाइप के सबॉर्डिनेट क्लॉजेस है. हमारा क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई द सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड स्टेट इट्स टाइप, राइट. तो हमारे तीन टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज हम लोग को आज पढ़ने हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. बस सिंपल और कुछ नहीं, ये तीन ही टाइप पढ़ने हैं. पहले दो टाइप समझ गए ना हमको, तीसरा टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा. द चैलेंज इज टू अंडरस्टैंड द ट्रिक फॉर द फर्स्ट टू टाइप्स, ऑटोमेटिकली तीसरा टाइप हमको समझ में आ ही जाएगा. तो दो ही पढ़ने हैं, दो पढ़ लिए तो तीसरा अपने आप आ जाएगा. इतना सिंपल है, राइट. समझ में आया सब लोग को? हम लोग क्या करने वाले? हम लोग समझने वाले कि सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन से टाइप का रहता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यही आने वाला है. हमको सबॉर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करना है और उसका टाइप बताना है, ठीक है. तीन क्लॉजेज है, तीन सबॉर्डिनेट क्लॉज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, राइट. चलो सबसे पहले हम लोग नाउन क्लॉज स्टार्ट करेंगे. ओके सब लोग को समझ में आ रहा है, सब लोग के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. देखो आप लोग के रिस्पॉन्सेज आते रहेंगे तो आई विल अंडरस्टैंड कि यस थिंग्स आर गोइंग ऑन स्मूथली, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है बच्चों लोग को. तो ये मुझे ध्यान में आता रहेगा क्यों कंसोल सामने ही है, तो मुझे आप लोग के चैट्स पढ़ने मिल रहे. मैंने बोला था नाम कोई भी नहीं लेगा, फिर भी कुछ बच्चों ने नाम ले लिए. नहीं लेना चाहिए था ना, बॉय इट्स वड़ा पाव, ऐसा नाम नहीं लेने का बाबा. ओके चलो लेट अस कंटिन्यू, फोकस करेंगे सब लोग. सबसे पहला टाइप था नाउन क्लॉज. नाउन पता है ना हम लोग को, व्हाट इज अ नाउन? सुना है बचपन में, नेम प्लेस एनिमल थिंग गेम खेलते थे क्या, है ना? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एन ऑब्जेक्ट, अ थिंग, वो नाउन था हमारा, ठीक है. अभी ये नाउन के साथ एक शब्द आ गया क्लॉज. क्लॉज मैंने बताया था एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है नाउन क्लॉज. व्हाट इज इट? वी लुक एट इट. इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. हमको कुछ नहीं समझ में आया सर, नाउन का काम करता है मतलब क्या? मत समझो, कोई बात नहीं, और सिंपल करेंगे. एक नाउन क्लॉज नाउन का काम करता है, ये समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे करेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन क्लॉज, ध्यान से. क्वेश्चन इज सर आपने बोला कि नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ अ नाउन, लेकिन ये समझेगा कैसे हमको? हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई? एक सिंपल ट्रिक है, एक ही ट्रिक है,
इसी ट्रिक में आप समझ जाओगे कि द गिवन सेंटेंस हैज अ नाउन क्लॉज और नॉट। एक ही ट्रिक है, हर नाउन क्लॉज वाले सेंटेंस पर ये ट्रिक लागू होने वाला है। अगर सेंटेंस के अंदर नाउन क्लॉज है तो जो ट्रिक मैं अभी आपको देने वाला हूं ये ट्रिक हर बार वहां पर लागू होने ही वाला है, राइट। तो ये ट्रिक याद रखना है हमको, सिर्फ जो ट्रिक अभी मैं देने वाला हूं वो याद रखना है, ठीक है। आपके सामने सेंटेंस आएगा, इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट ऑलवेज इसको ध्यान रखो, एवरी टाइम ऑलवेज व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑन क्लॉजेस, सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करोगे, सेंटेंस पढ़ा, अंडरलाइन किया, मेन क्लॉज लिखा ऊपर MC, सबऑर्डिनेट क्लॉज अंडरलाइन किया, डबल अंडरलाइन किया, ऊपर लिखा SC सबऑर्डिनेट क्लॉज सबसे पहले। नाउ द ट्रिक, अपन ने सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई कर लिया, अभी टाइप आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट टाइप कौन सा है, नाउन क्लॉज। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखो, अभी सबसे पहला वाला है नाउन क्लॉज, तो सबसे पहला टेस्ट क्या रहेगा, नाउन क्लॉज वाला टेस्ट रहेगा, राइट। तो नाउन क्लॉज वाला टेस्ट करने के लिए क्या ट्रिक है, यहां पर देखो, जस्ट आज द क्वेश्चन वॉट टू द मेन क्लॉज, ध्यान रखो इस चीज को। मेन क्लॉज आइडेंटिफाई किया, सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई किया, यू आर जस्ट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन वॉट टू द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को क्वेश्चन करेंगे वॉट, इफ यू गेट आंसर इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज वॉट का आंसर है देन इट इज अ नाउन क्लॉज, सिंपल। मेन क्लॉज आइडेंटिफाई किया, सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई किया, हमने मेन क्लॉज को क्वेश्चन करा वॉट, वी आस्क द क्वेश्चन वॉट टू द मेन क्लॉज, अगर आंसर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल रहा है इट इज अ नाउन क्लॉज, सिंपल। यही एक ट्रिक है, खत्म, एक मार्क मिल गया। एक ट्रिक पर, इतना सिंपल ट्रिक जो लर्न भी करने का जरूरत नहीं है, एक मार्क मिल जाएगा हम लोग को। हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन क्लॉज, जस्ट आस्क द क्वेश्चन वॉट टू द मेन क्लॉज, इफ योर सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज द आंसर देन इट इज अ नाउन क्लॉज, इट इज अ सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सिंपल। फीड कर लो दिमाग में, समझ में आया। चलो अभी एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे एकदम क्लियर, तीन ही एग्जाम्पल दिखाऊंगा क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले सबऑर्डिनेटर्स यूज इन नाउन क्लॉजेस, देखो सबऑर्डिनेटर्स आर कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटर्स आर कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ने वाला आदमी, कंजंक्शन पता है आप लोग को। तो कंजंक्शन दो तरह के रहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेटर्स। अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, कंजंक्शन वाले टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं। सबऑर्डिनेटर्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होते हैं, इतना याद रखो। तो नाउन क्लॉज में कौन से सबऑर्डिनेटर्स यूज होने वाले, देखो, दैट, वॉट, वॉट एवर, हाउ, ऑल दीज आर पॉइंटर्स, दीज आर द सबऑर्डिनेटर्स विच आर जेनरली यूज्ड इन नाउन क्लॉसेस। ये सबऑर्डिनेटर एक कंजंक्शन है जो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है, बराबर, कंजंक्शन का यही काम रहता है। तो जनरली नाउन क्लॉज में ये चार कंजंक्शंस या ये चार सबऑर्डिनेटर्स यूज किए जाते हैं जनरली, नॉट नेसेसरली बट जनरली, इसको ध्यान रखेंगे, दैट, वॉट, वॉट एवर, हाउ, सिंपल, ओके। नाउ वी लुक एट एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, चलो ध्यान देंगे हम लोग, अभी हम लोग एग्जाम्पल देंगे। हमने क्या देखा, सबसे पहले सेंटेंस आएगा, मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन क्लॉज सबसे पहला देखना है हमको, टेस्ट करना है वेदर द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नाउन क्लॉज और नॉट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या, आस्क द क्वेश्चन व्हाट टू द मेन क्लॉज, आंसर मिला तो इट इज अ नाउन क्लॉज। चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं, सॉरी, इट इज अ फैक्ट दैट ही इज लेजी, दिस इज माई सेंटेंस, इट इज अ फैक्ट दैट ही इज लेजी। कुछ नहीं दिमाग चलाने का है, नाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं, तिथे जायचंच नहीं है। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस में दो पार्ट्स ढूंढने हैं, एक पार्ट जिसका कंप्लीट मीनिंग है जो रहेगा मेरा मेन क्लॉज, दूसरा पार्ट जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है जो रहेगा मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सिंपल, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली प्रैक्टिस में ऐसा करेंगे तो एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस में जरूर ये प्रोसेस हम लोग अपनाने वाले हैं, एग्जाम तक तो तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। जस्ट लुक एट इट, इट इज अ फैक्ट दैट इज लेजी, इट इज अ फैक्ट फुल स्टॉप, कंप्लीट मीनिंग हो रहा है क्या, इट इज अ फैक्ट फुल स्टॉप, यस कंप्लीट मीनिंग, इट इज अ फैक्ट, कंप्लीट सेंटेंस, मेन क्लॉज,
सॉरी, इट इज अ फैक्ट, मेन क्लॉज, कंप्लीट सेंटेंस है, दैट ही इज लेजी, अगेन दैट ही इज लेजी, कंप्लीट सेंटेंस है क्या? नहीं, सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो पहला चीज हो गया, आइडेंटिफाई हो गया मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. अभी टाइप आइडेंटिफाई करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप आइडेंटिफाई करना है. सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबसे पहला टाइप कौन सा है? नाउन क्लॉज है ना. तो हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज अ नाउन क्लॉज और नॉट. उसके लिए मैंने ट्रिक दिखाया तुमको, उसके लिए मैंने ट्रिक बताया आप लोगों को. क्या ट्रिक है? जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट टू दिस मेन क्लॉज. जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट टू द मेन क्लॉज. अगर हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज में आंसर आता है, इट मींस टाइप क्या है? नाउन क्लॉज. ओके, इट इज अ फैक्ट दैट इज लेजी, मेन क्लॉज है मेरा, इट इज अ फैक्ट. आस्क द क्वेश्चन व्हाट, व्हाट इज अ फैक्ट, क्या है फैक्ट, क्या है व्हाट, व्हाट इज अ फैक्ट दैट ही इज लेजी. इट इज अ फैक्ट दैट इज लेजी. व्हाट इज अ फैक्ट, आंसर मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, दैट ही इज लेजी. व्हाट इज अ फैक्ट, ही इज लेजी, आंसर मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लॉज. समझ में आया सब लोग को? अगर हमको व्हाट का आंसर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल रहा है, देन इट इज अ सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज. सिंपल. एक सेकेंड लो, सेंटेंस के पास देखो, मैंने जो बोला उसको फिर से फिल्टर करो. समझ में आया तो मेरे को चैट में बताओ. श्रुति, ही इज लेजी नहीं, दैट ही इज लेजी साथ में आएगा उसके बेटा. दैट को क्या को भूल गई बाबा? दैट ही इज लेजी. यस, दैट ही इज लेजी. वेरी गुड. समझ में आया सब लोग को? चलो आगे बढ़ते हम लोग. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. अनदर एग्जाम्पल. निजा, हाउ आर यू निजा? मेरी पुरानी स्टूडेंट है निजा. कल ही हम लोग निजा आपके बारे में बात कर रहे थे. सो ग्लैड टू सी यू टुडे. आई होप एवरीथिंग इज फाइन. आई होप आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है. ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस. चलो चलो चलो, फोकस सेंटेंस के ऊपर आओ. चलो, आई एम अफ्रेड दैट माई मदर विल बी एंग्री. अरे ये तो सबके लिए सच है, मेरे लिए भी सच है. सच में मेरे को अभी भी डर है. आज का लेक्चर कैसा होता? सबसे पहले मम्मी जाकर पूछने वाली है, टाइम पर चालू किया था क्या नहीं किया था, पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया. तो आई एम ऑलवेज अफ्रेड. रात को लेट हो गया तो मुझे डर रहता है. नहीं क्या, अभी पैर फ्रैक्चर हो गया तो पैर फ्रैक्चर होने का डर नहीं था. मम्मी चिल्लाएगी कि क्या पैर तोड़ के आ गया क्रिकेट खेलते हुए, उसका डर था. सो इट इज़ ट्रू विद एवरी बॉय, एटलीस्ट विद द बॉय. गर्ल्स का मेरे को नहीं मालूम, बट बॉयज़ को हमेशा डर रहता है कि मम्मी चिल्लाने वाली है. राइट, तो वही सेंटेंस आ गया है मेरा. मम्मी सॉरी, आपका एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे. आई एम अफ्रेड दैट माई मदर विल बी एंग्री. आई एम ऑलवेज अफ्रेड माई मदर विल बी एंग्री. मम्मी को कोई बताना मत. चलो अभी सेंटेंस को ध्यान से देखो. सबसे पहले आइडेंटिफाई मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. चलो, आई एम अफ्रेड. आई एम अफ्रेड फुल स्टॉप, कंप्लीट मीनिंग है. आई एम अफ्रेड, हाँ मैं डरा हुआ हूँ, कंप्लीट मीनिंग, मेन क्लॉज. द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस अदर. ओके दिव्या, थैंक यू सो मच. दिव्या पर अभी बहुत कुछ बाकी है काम. अभी तक सिर्फ नाउन क्लॉज तक ही है, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आने वाला है तो वो भी समझ में आ जाएगा. अरे हंसो मत, सब इतना हंसेंगे तो मम्मी तक खबर पहुंच जाएंगी, करण ऐसा ऐसा बोल रहा था मेरे बारे में, फिर और मारेगी मेरे को. ऐसा अभी अच्छा बता रहा हूँ, मम्मी से डरता हूँ तो इस बात पे भी मारेगी. अगर मैं बोलता मैं नहीं डरता हूँ तो भी मारती थी. अभी तुमको बता दिया डरता हूँ तो भी मारने वाली है. कोई बात नहीं, माँ है, हक रहता है माँ का. चलो अभी यहाँ पर हूँ. आई एम अफ्रेड फुल स्टॉप, कंप्लीट सेंटेंस, मेन क्लॉज. दैट माई मदर विल बी एंग्री. That my mother will be angry does not make complete sense, subordinate clause. Correct? Yes. That my mother will be angry. That साथ में आया है, इसको भूलने का नहीं है ना. जैसे वो श्रुति ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर my mother will be angry, ये complete है, लेकिन वो सिर्फ my mother will be angry नहीं आया. That my mother will be angry. Part of the sentence not making complete sense, hence called this subordinate clause. अभी सबसे पहला हम लोग noun clause का टेस्ट करेंगे. नाउन क्लॉज सबसे पहला आया ना ऑर्डर में, तो टेस्ट नाउन क्लॉज का. टेस्ट क्या है? जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट, पूछो व्हाट. व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ? दैट माय मदर विल बी एंग्री. आंसर मिला क्या? यस. व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ? दैट माय मदर विल बी एंग्री. आंसर फाउंड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज. सिंपल, कोई दिमाग नहीं चलाने का, नाउन क्लॉज खत्म, कुछ सोचना ही नहीं बाद में, नाउन क्लॉज, टॉपिक क्लोज. समझ में आया सब लोग को? देखो जरा ध्यान से सेंटेंस के पास, ध्यान से देखो, बस एक ही सेकंड के लिए देखो. ओके चलो, सबऑर्डिनेटर भी दैट आया. देखो हमने सबऑर्डिनेटर्स की लिस्ट में देखा था, दैट हाउ वट एवर आने वाला है, तो यहां पर दैट आया. जनरली दैट आता है, जनरली नाउन क्लॉजेस में दैट आता है जनरली.
एडजेक्टिव क्लॉज में भी आता है, वो भी दिखाऊंगा, बट जनरली नाउन क्लॉज में जो सबऑर्डिनेटर है वो दैट आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट वाला एकदम सिंपल, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इट इज अपेरेंट दैट शी इज गिल्टी, ये क्लियर है, अपेरेंट है मतलब क्लियर है, ऐसा लग रहा है कि शी इज गिल्टी, दिख रहा है शी इज गिल्टी, इट इज अपेरेंट दैट शी इज गिल्टी। नाउ अगेन मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करो, इट इज अपेरेंट, फुल स्टॉप, कंप्लीट सेंटेंस है, इट इज अपेरेंट फुल स्टॉप, यस कंप्लीट सेंटेंस मेन क्लॉज। इसी तरीके से आपके एग्जाम में आप इसी तरीके से पेंसिल यूज करके करने वाले हो, ये प्रैक्टिस को बनाए रखो जिंदगी भर, मिस्टेक होता नहीं है। दैट शी इज गिल्टी पार्ट ऑफ द सेंटेंस नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आज द क्वेश्चन व्हाट, व्हाट इज अपेरेंट दैट शी इज गिल्टी, आंसर मिल गया सबऑर्डिनेट क्लॉज में। व्हाट इज अपेरेंट दैट शी इज गिल्टी, आंसर कहां मिला सबऑर्डिनेट क्लॉज में, क्या हो गया हमारा आंसर नाउन क्लॉज, सिंपल टॉपिक क्लोज। इतना आसान है नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करना, लेकिन बेसिक स्टेप, सबसे पहले आइडेंटिफाई मेन क्लॉज, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहला सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप क्या है, नाउन क्लॉज। तो क्वेश्चन करेंगे नाउन क्लॉज के लिए हम लोग, क्या क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक क्या बताया करण सर ने, आज द क्वेश्चन व्हाट टू द मेन क्लॉज, ये ट्रिक करण सर ने हमको बताया, जिंदगी भर याद रखेंगे हम इसको, वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस थ्रू आउट आवर लाइफ। कभी आगे 20 साल बाद भी किसी ने पूछा नाउन क्लॉज, अरे बेड़िया जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाट टू द मेन क्लॉज, आंसर मिला तो नाउन क्लॉज, सिंपल राइट। देखो चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ नाउन क्लॉज क्लियर हो गया क्या, खत्म, अभी वापस नहीं पढ़ाने वाला हूँ नाउन क्लॉज, खत्म, फटाफट फटाफट मुझे बताओ समझ में आया क्या सबको, वापस से नाउन क्लॉज नहीं पढ़ने, ना आप पढ़ोगे ना मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज ये जो है 3 जनवरी एकदम शुभ मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त निकाल के आया हूँ मैं कि आज क्लॉजेस सीख जाएंगे ना बच्चे इस मुहूर्त पे, तो जिंदगी भर याद रहेगा। चलो बताओ फटाफट फटाफट, राधिका नॉट नेसेसरी इट विल बिगिन विद दैट, देर आर मेनी सबऑर्डिनेटर्स जो मैंने लिस्ट में पहले बताया था, नॉट नेसेसरी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा दैट के साथ चालू होगा, जनरली नाउन क्लॉज में चांसेस है कि दैट से चालू हो सकता है। हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। राहत एज अ क्वेश्चन, नाउन क्लॉज ऑलवेज कम्स इन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ऐसा जरूरी नहीं है, मेन क्लॉज स्टार्ट में भी हो सकता है, मेन क्लॉज एंड में भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पहले ही आएगा। ट्रिक खतरनाक था सर, हमेशा याद रहेगा, थैंक यू सो मच प्रथमेश, ये ट्रिक इसीलिए दिया है आप लोगों को ताकि आपको जिंदगी भर ये याद रहे, राइट। हमको बनाना इतना आसान है चीज़ों को कि वो हमको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए, फिर हर बार हर एग्जाम से पहले आपको सोचें राव क्लॉजेस से क्या ना ये मतलब, ऐसा नहीं झाला पाहिजे, हमको क्लॉजेस एक ट्रिक पता चल गया नाउन क्लॉज का, अभी एडजेक्टिव क्लॉज का पता चलेगा, खत्म टॉपिक। ओके ग्रेट, आई हैव मैक्सिमम थम्स अप्स विथ मी, ओके चलो समझ में आया इसका मतलब, नाउन क्लॉज खत्म, नो मोर डिस्कशन ऑन नाउन क्लॉज। सेकेंड वाला क्लॉज आता है विच इज एडजेक्टिव क्लॉज, हम लोग अगले क्लॉज पर गएंगे, विच इज आवर एडजेक्टिव क्लॉज। अभी एडजेक्टिव के बारे में क्या बताएं हम लोग को, एडजेक्टिव के बारे में जैसे अभी कोई बोलता है सर क्या मस्त लग रहे हैं आप, सर क्या मस्त शर्ट है, सर क्या भारी शर्ट है, तो यहां पर हमारा नाउन है शर्ट, शर्ट को हमने डिस्क्राइब किया बाय यूजिंग द वर्ड भारी, लय भारी, वी आर क्वालिफाइंग द नाउन, वी आर saying something more about the noun, हमने noun के बारे में कुछ और information दिया है, describe किया है, this is an adjective, विशेषण, जे noun किंवा pronoun ची विशेषता सांगणार आहे, that is विशेषण, adjective, simple। अभी adjective clause क्या करेगा, adjective clause भी वही काम करेगा जो एक adjective करता है, adjective क्या काम करता है, noun को describe करने का काम करता है, सिमिलरली एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है, सिंपल, एडजेक्टिव क्लॉज विल डिस्क्राइब द नाउन विच इज प्रेजेंट इन द मेन क्लॉज, याद रखो इसको, एडजेक्टिव क्लॉज विल टेल अस मोर अबाउट द नाउन विल बी प्रेजेंट इन द मेन क्लॉज, सिंपल। मेन क्लॉज में एक नाउन है, ये जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज इस नाउन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने वाला है, बस खत्म, ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, हाउ टू आइडेंटिफाई, अगेन प्रश्न है सर पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे ऐसे, देखो चलो सबसे पहले इन द मेन क्लॉज, सबसे पहले हमारा ट्रिक तो, हमारा स्टेप्स क्या है, सबसे पहले सेंटेंस आया मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करो, सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करो, सिंपल सबसे पहले, उसके बाद हमारा टेस्ट रहेगा नाउन क्लॉज का, हमेशा सबसे पहला टेस्ट रहेगा नाउन क्लॉज का, पास हुआ तो खत्म नाउन क्लॉज, फेल हो गया व्हाट का आंसर नहीं मिला तो अगले टेस्ट पर जाएंगे, अगला टेस्ट क्या है एडजेक्टिव क्लॉज,
अभी हमको एडजेक्टिव क्लॉज के लिए चेक करना है वेदर द सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज और नॉट. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज में ऑलवेज इन द मेन क्लॉज देयर विल बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. ध्यान रखो, एडजेक्टिव क्लॉज में इन द मेन क्लॉज देयर विल बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. अभी आगे अगली सेंटेंस ध्यान से देखो. वी विल आस्क सम क्वेश्चन टू दिस नाउन और द प्रोनाउन. जो भी नाउन या प्रोनाउन मेन क्लॉज में, हम उसको एक क्वेश्चन करेंगे. एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करेंगे. वी विल आस्क अ क्वेश्चन टू दिस नाउन और द प्रोनाउन. मतलब हमको कौन आइडेंटिफाई करना है? हमको ये नाउन या प्रोनाउन जो भी है मेन क्लॉज में वो आइडेंटिफाई करना है. वी विल आस्क क्वेश्चन टू दिस नाउन और द प्रोनाउन. आंसर हमको कहाँ मिलेगा? आंसर हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिलेगा. हम जो भी क्वेश्चन नाउन या प्रोनाउन को करेंगे, वी विल गेट आंसर इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज. आगे द सबऑर्डिनेट क्लॉज विल टेल अस मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड डिस्क्राइब, द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड टेल अस मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन. दिस नाउन और प्रोनाउन इज प्रेजेंट इन द मेन क्लॉज. नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी आदमी बताता है कुछ, जो भी आदमी डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? येस और नो? तो पार्ट ऑफ सेंटेंस विच विल डिस्क्राइब द नाउन और द प्रोनाउन विच विल टेल अस मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन विल बी आवर एडजेक्टिव क्लॉज. सिंपल, विल बी आवर एडजेक्टिव क्लॉज. ध्यान रखो. एंड एक और चीज बताता हूँ, इसको याद रखेंगे. हमेशा हमारा जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें नाउन या प्रोनाउन के बाद तुरंत हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा. तुरंत दिस नाउन और प्रोनाउन विल इमीजिएटली बी फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. सेंटेंस सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा. द नाउन और द प्रोनाउन विल इमीजिएटली बी फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. का म्हटलं त्याला एडजेक्टिव क्लॉज? बिकॉज इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन. सिंपल, यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आया सब लोग को? द एडजेक्टिव क्लॉज विल टेल अस मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन. अभी सबऑर्डिनेटर्स देखते, कुछ मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, उनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटर्स चाहिए. तो कौन से सबऑर्डिनेटर्स जनरली यूज होते हैं इसमें? देखो, हु, हुम, विच, दैट, इनको याद रखो. हु, हुम, विच, दैट. दैट देखो यहाँ पर भी आया है, नाउन क्लॉज में भी आता है, यहाँ पर भी आता है. दैट एक बहुत कॉमनली यूज कंजंक्शन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए. एग्जाम में बहुत चांसेस है कि दैट वाला सेंटेंस आ सकता है. नॉट नेसेसरी कि हर बार वो नाउन क्लॉज ही रहेगा, हो सकता है वो एडजेक्टिव क्लॉज भी हो. आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम लोग अभी देखेंगे. अभी इतना ही याद रखो, हु, हुम, विच, दैट आर जनरली यूज्ड टू जनरली यूज एज सबऑर्डिनेटर्स इन नाउन इन एडजेक्टिव क्लॉजेस. सॉरी, चल लेट अस सिंप्लीफाई बाय लुकिंग एट एग्जांपल्स. चलो फटाफट कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉजेस के. चलो सबसे पहला क्वेश्चन, दिस इज द लाइब्रेरी दैट बिलोंग्स टू माय अंकल. आपल्याला नाउन आहे, एडजेक्टिव आहे, एडवर्ब आहे, काहीच माहित नाही. आपल्या समोर सेंटेंस आला आहे, अपने सामने एक सेंटेंस आया है. वी हैव बीन प्रेजेंटेड विद अ क्वेश्चन. द सेंटेंस इज दिस इज द लाइब्रेरी दैट बिलोंग्स टू माय अंकल. स्टेप नंबर वन क्या है? हमेशा आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज. कुछ दिमाग चलाना ही नहीं है, डायरेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज पर उड़ी मारना ही नहीं है, डायरेक्ट सबऑर्डिनेटर को देखना ही नहीं है. हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग एरर्स के चांसेस एकदम मिनिमाइज करेंगे, जीरो एरर पे आना है हमको. वो कैसे होगा? अगर हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे. स्टेप क्या बताया था फर्स्ट वाला सर ने? आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज. लुक एट द सेंटेंस, दिस इज द लाइब्रेरी फुल स्टॉप. ये पार्ट सेंटेंस का देखो, कंप्लीट सेंटेंस है. दिस इज द लाइब्रेरी, यस. दिस इज द बुक, यस. दिस इज द बॉय, यस. कंप्लीट सेंटेंस है. दिस इज द लाइब्रेरी इज अ कंप्लीट सेंटेंस. मेन क्लॉज, दैट बिलोंग्स टू माई अंकल डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. दैट बिलोंग्स टू माई अंकल कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. सबऑर्डिनेट क्लॉज पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप टिक. दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ नाउन क्लॉज और नॉट. है ना, नाउन क्लॉज हमारा पहला सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो हम लोग टेस्ट करेंगे नाउन क्लॉज के लिए. क्या टेस्ट है? आस्क द क्वेश्चन व्हाट, व्हाट इज द लाइब्रेरी. अरे तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है सर, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो नाउन क्लॉज नहीं है. नाउन क्लॉज वाला खत्म हो गया, हमने टेस्ट कर लिया इट इज नॉट अ नाउन क्लॉज. देन वी विल गो फॉर द एडजेक्टिव क्लॉज. नाउन क्लॉज वाला टेस्ट फेल हो गया, फिर हम जाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज के टेस्ट पे. डायरेक्टली एडजेक्टिव या एडवर्ब पे उड़ी मारेंगे नहीं हम लोग, एक एक को हम लोग एलिमिनेट करेंगे. नाउन क्लॉज एलिमिनेट हो गया,
टेस्ट फॉर एडजेक्टिव क्लॉज, अगर एडजेक्टिव क्लॉज भी एलिमिनेट हो गया टेस्ट फॉर एडवर्ब क्लॉज, सिंपल राइट। दिस इज द लाइब्रेरी दैट बिलोंग्स टू माई अंकल। नाउ नाउन क्लॉज नहीं है, लुक एट द वर्ड लाइब्रेरी, हम लोग ये वर्ड लाइब्रेरी के पास ध्यान से देखेंगे। इट इज द नाउन, ये लाइब्रेरी जो है, ये वर्ड जो है ये नाउन है। यस, नाउ ये सबॉर्डिनेट क्लॉज के पास ध्यान से देखो, दैट बिलोंग्स टू माई अंकल, कौन सी लाइब्रेरी, विच लाइब्रेरी, सॉरी स्लाइड में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ओके चलो, विच लाइब्रेरी, दिस इज विच लाइब्रेरी, द वन दैट बिलोंग्स टू माई अंकल, कौन सी लाइब्रेरी, विच लाइब्रेरी, द वन दैट बिलोंग्स टू माई अंकल, आंसर मिला हमको सबॉर्डिनेट क्लॉज में, सबॉर्डिनेट क्लॉज में आंसर मिला, सिंपल, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज जो था दैट बिलोंग्स टू माई लाइब्रेरी, दैट बिलोंग्स टू माई अंकल इज टेलिंग अस मोर अबाउट द नाउन, इज गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, दैट इज वाई इट बिकम्स द सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इस क्लॉज ने, इस सबॉर्डिनेट क्लॉज ने हमें नाउन के बारे में ज्यादा बताया, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, कौन सी लाइब्रेरी, विच लाइब्रेरी, द वन दैट बिलोंग्स टू माई अंकल, टेलिंग अस मोर अबाउट द नाउन, दैट इज वाई दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आया सब लोग को, एक सेकेंड के लिए सेंटेंस के पास ध्यान से देखो, वापस से रिकलेक्ट करो सब कुछ, समझ में आया तो यस बताओ मुझे फटाफट, चलो। द वन दैट बिलोंग्स टू माई अंकल, पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेलिंग अस मोर अबाउट द नाउन प्रेजेंट इन द मेन क्लॉज, यस। ओके चलो, मैक्सिमम यस आ चुके हैं, सबको समझ में आ गया है, मतलब लेट अस मूव अहेड, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे सिंपल हो जाएंगे हमारे लिए। चलो, ही इज द मैन हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, He is the man whom we all respect. Simple. सबसे पहले main clause. He is the man. Full stop. ये वो आदमी है. He is the man. Full stop. Complete sentence. Yes. Main clause. Whom we all respect. Full stop. Question mark नहीं है. Whom we all respect. Full stop. It is an incomplete sentence. Does not make complete sense. Hence, it will be called as a subordinate clause. पहला step हुआ. अभी noun clause को test करो. What is the man? क्वेश्चन बन रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है तो आंसर कैसे बनेगा? तो नाउन क्लॉज तो नहीं है। अभी सेकेंड चीज, एडजेक्टिव क्लॉज टेस्ट करो। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या रहता है? सबसे पहले मेन क्लॉज में एक नाउन रहता है, ये मैन नाउन है हमारा, यस हमें नाउन मिल गया। नाउ द सबॉर्डिनेट क्लॉज शुड टेल अस मोर अबाउट द नाउन, नाउन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमको सबॉर्डिनेट क्लॉज में मिलनी चाहिए। विच मैन, दिस इज विच मैन, द वन हु वी ऑल रिस्पेक्ट, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये हमको इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दिस इज विच मैन, कौन सा आदमी है? ये वो आदमी है जिसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत आदरणीय है। द वन हु वी ऑल रिस्पेक्ट, दिस पार्ट इज टेलिंग अस मोर अबाउट द नाउन इन द मेन क्लॉज, हेंस इट इज द सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। सिंपल है, समझ में आया है? यस खुशी, आई नो बताने की जरूरत नहीं है, नाम से समझ में आ गया था, खुशी है, खुशी है लेक्चर में, डोंट वरी, आई होप समझ में आ रहा है, राइट। सेकेंड सेंटेंस समझ में आया, द हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, हम जिसे रिस्पेक्ट करते हैं, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज टेलिंग अस मोर अबाउट द नाउन इन द मेन क्लॉज, हेंस इट इज द एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज विच मैन, द वन वी हुम, द वन वी ऑल रिस्पेक्ट। दिस इज विच लाइब्रेरी, द वन विच बिलोंग्स टू माई अंकल, टेलिंग अस मोर अबाउट द नाउन, हु विच, समझ में आ रहा है? सबॉर्डिनेट इज, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो लास्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग, लास्ट एग्जांपल। बस समझ में आ रहा है, वेरी गुड, थोड़ी देर और नाउन और एडजेक्टिव समझ में आ गया तो एडवर्ब का काम सिंपल हो जाएगा, राइट। ध्यान से लेक्चर का हम लोग मोमेंटम इसी तरीके से बनाकर रखेंगे, राइट। बिल्कुल भी फोकस हटना नहीं है, कहीं पर भी फोकस जाने नहीं देना है हमको, सब ट्रिक्स एक बार दिमाग में बैठ गए तो हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स, तो जब कभी लगे रिवीजन करना है हम लोग को आज लेक्चर खत्म होने का, तो यू कैन डू दैट, राइट। एडजेक्टिव क्लॉज का लास्ट एग्जांपल देखेंगे ध्यान से बोर्ड के ऊपर सब लोग। दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, सेंटेंस आया हमारे सामने, दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, लुक एट इट, दे नेवर फेल, फुल स्टॉप, दे नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होते हैं। कंप्लीट सेंटेंस है? यस सर, कंप्लीट सेंटेंस है, अवश्य, मेन क्लॉज है, अंडरलाइन करो।
अगला, हु डाई इन अ मेन इन अ ग्रेट कॉज, हु डाई इन अ ग्रेट कॉज फुल स्टॉप डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, हु डाई इन अ ग्रेट कॉज क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज. थैंक यू प्रथमेश, थैंक यू सो मच. चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे. दे नेवर फेल हु डाई इन अ मेन इन अ ग्रेट कॉज. फर्स्ट हम लोग नाउन क्लॉज का टेस्ट करेंगे. वी विल आस्क द क्वेश्चन वॉट टू द मेन क्लॉज. वॉट नेवर फेल, ऐसा कुछ है क्या? क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है सर, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है तो आंसर कैसे आएगा? आंसर आने वाला नहीं है. इट इज नॉट अ नाउन क्लॉज, खत्म. नाउन क्लॉज का पॉसिबिलिटी गया. अगला पॉसिबिलिटी एडजेक्टिव क्लॉज, त्याच्यासाठी काय नाउन क्लॉज, सॉरी मेन क्लॉज में हमारा नाउन रहेगा. दे नेवर फेल, नाउन या प्रोनाउन, दे इज द नाउन और द प्रोनाउन, येस दे इज अ प्रोनाउन, वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज अ प्रोनाउन, येस. तो दे ये हमारा नाउन है. हु नेवर फेल, द वंस हु डाई इन अ ग्रेट कॉज. हु ये हमने क्वेश्चन किया हमारे मेन क्लॉज को, ये क्वेश्चन का आंसर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिला है. हु नेवर फेल द पीपल हु डाई फॉर अ ग्रेट कॉज, जो कुछ बड़ा काम, अच्छा काम, सेवा करना चाहते उसमें अगर वो मर जाते, लड़ाई में लड़ जाते, जैसे हमारे क्रांतिवीर थे, वो लड़ गए, वो मर गए फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम. सो दे नेवर फेल, हु नेवर फेल द वंस हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, हमें आंसर मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में. एंड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इज टेलिंग अस मोर अबाउट दिस पीपल, दिस प्रोनाउन दे, इसके बारे में ही हमको और इन्फॉर्मेशन दे रहा है. कौन? जो एक ग्रेट कॉज में लड़, ग्रेट कॉज के लिए लड़ते हैं, दे नेवर फेल, राइट. सो दिस इज नथिंग बट अ सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, सिंपल. द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन. कौन? हु डाई इन अ ग्रेट कॉज. समझ में आया? देखो फटाफट फटाफट देखो, इरेज कर देता हूँ मैं. कौशल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. देखो मेरा एक ही फंडा रहता है, आई ट्राई टू मेक द टॉपिक वेरी सिंपल, क्योंकि देखो इंग्लिश के लिए इतना डर रहता है ना बच्चों के मनों में. व्हेन पेरेंट्स कम टू मीट मी, सर इंग्लिश सका है, सर इंग्लिश को नहीं सिखाना, सर इंग्लिश आजी बात ये इतना ही, तो वो ये इतना ही इसलिए है क्योंकि हमने सही तरीके से अप्रोच नहीं किया है. वी हैव नॉट अप्रोच द सब्जेक्ट इन द राइट मैनर. एंड वेन वी डोंट अप्रोच समवन इन द राइट मैनर, ही शी और द सब्जेक्ट विल नॉट कम क्लोज टू अस. एकदम सिंपल फैक्ट है लाइफ का. आप ग्रीट करो आपके मॉम डैड को, आपके फ्रेंड को अच्छी तरीके से ग्रीट करो, हाय आई बरे का, शाम को जाने के बाद घर पे आई बरे का, तो शी विल ग्रीट यू प्रॉपरली, हाँ मैं बरे, तुझे दिवस कसो होता, आपका दिन कैसा था, क्या खाएगा तू, ऐसा आई बोलेगी. जाके अगर अपन अच्छी से ग्रीट नहीं करेंगे, क्या रे मम्मी क्या कर रही तू, ऐसा अगर हम करेंगे, शी विल नॉट ग्रीट यू प्रॉपरली, शी विल नॉट ट्रीट यू प्रॉपरली. द सेम थिंग गोज फॉर एनी सब्जेक्ट. You have to treat the subject with lots of love and respect. You have to approach the subject in the right manner. I have seen so many students, I have seen so many teachers not approaching the subject in the right manner. तो subject आपसे दोस्ती कर ही नहीं पाता है. आप सही रास्ते से subject के पास जाओ, कोई भी subject हो life में, whether you are learning any kind of music, an instrument, कोई sport सीख रहे हैं, कोई subject पढ़ रहे हैं, आप सही रास्ते से approach करो, आपके साथ subject हमेशा दोस्ती करके रखेगा. I approached English in the right manner in my school days and it has stayed with me. मैं English teacher बन गया. I approached science in the right manner. Science has stayed with me. It's been 16-17 years since I have left school. है ना, मेरा एजुकेशन खत्म हो गया, 10-12 साल हो गए, स्कूल छोड़ के 17-18 साल हो गए, बट द सब्जेक्ट हैज रिमेंड विथ मी बिकॉज आई अप्रोच इट इन द राइट मैनर. तो आप लोग भी सही तरीके से चलोगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट चलकर आपके पास आएगा. सिंपल, मेरी कोशिश यही रहती है जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ उतना करूँ, ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बना रहे. अंडरस्टैंडिंग हो जाता है एक बार तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ हमारे लैंग्वेज के अंदर आ जाती है, राइट. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखेंगे, सब जगह पर जो हमारे सबऑर्डिनेटर्स है, दैट, होम, हु आए हुए हैं यहाँ पर, यस सबऑर्डिनेटर्स दिखे सब लोग को. जनरली मैंने बताया था नाउन के बाद तुरंत हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. देखो ये मेरा नाउन है, तुरंत सबऑर्डिनेट क्लॉज आया, ये मेरा नाउन है, तुरंत सबऑर्डिनेट क्लॉज आया, जनरली ऐसा होता है, राइट. एडजेक्टिव क्लॉज डन. चलो बताओ मेरे को फटाफट, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया क्या सब लोग? बताओ समझ में आया, यस बताओ मुझे, विल गो अहेड देन. अनामिका बिस्वास, अनामिका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर फॉर औरंगाबाद, ओ ग्रेट, नाइस टू नो. मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ पूना नहीं, आजू बाजू के गांव जिलों से भी आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं. वी आर बेस्ड इन विश्रांतवाड़ी इन पुणे,
आकाश अग्रवाल क्लासेज इज अ प्रीमियम कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड 11th, 12th कॉमर्स सेक्शन एंड सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोचिंग क्लासेस. वी आर बेस्ड इन विश्रांतवाड़ी इन पुणे, जो पुणे का एयरपोर्ट है वो मेरे क्लास से 2-3 किलोमीटर ही है. ग्रेट टू नो कि आउट स्टेशन स्टूडेंट्स भी लेक्चर देख रहे हैं. अच्छा, कुछ कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग कर रहे हैं तो कोई गलत कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर नहीं भी कोई कर रहा है तो दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन आवर चैनल. मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है जिसपे आप व्यू कर रहे हो, दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल ओवर देयर. ये लेक्चर वहीं पर रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा. तो जब कभी आपको चाहिए तो आप उस लिंक पर जा सकते हो, चैनल पर जाकर देख सकते हो, शेयर कर सकते हो लोगों के साथ. चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा तो फिर तो जब भी कोई नया लेक्चर भी आता है उसका अपडेट भी आ जाएगा, राइट. चलो, हमारा 50% काम हो गया. सर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्या हमें ऑनलाइन कोचिंग मिल सकती है? ज़रूर मिल सकती है, ऑनलाइन कोचिंग ही तो मिल रही है, राइट. वी आर कमिंग आउट विद बेसिक इंग्लिश कोर्सेज ऑल्सो. हम लोग बहुत चीज़ें प्लान में है कि हाउ वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर इंग्लिश. आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद इंग्लिश. मैथ साइंस तो प्रॉब्लम रहता ही, लेकिन उतना ही बड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश का भी है. सो वी आर कमिंग आउट, दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव कम अप विद दिस सीरीज, जो इंग्लिश ग्रामर के जो ये सीरीज है, आई हैव कम आउट विद दैट थिंग, कीपिंग इन माइंड ये जो इंग्लिश का इशू है. और भी बेसिक इंग्लिश कोर्सेज वगैरह भी है दिमाग में करने के लिए, तो वो भी विद टाइम मिल ही जाएंगे आप लोग को. चलो अभी फोकस करते हैं सब लोग. चलो चलो चलो, लास्ट सेक्शन रह गया, हाथी चला गया, पूछ रह गई है, थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है, विच इज एडवर्ब क्लॉज, राइट. आई होप नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज हमको समझ में आ गया होगा. अगर ये दोनों समझ में आ गए हैं तो एडवर्ब क्लॉज का काम बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्लॉज जो है हमारा, दैट इज एडवर्ब क्लॉज. ध्यान से देखेंगे हम लोग बोर्ड के ऊपर. चलो फोकस, अगर फोकस. सानिया के सर, मैंने भी सोलापुर से हूँ, मैंने इससे अच्छी इंग्लिश किसी नहीं पढ़ी. थैंक यू सो मच सानिया, थैंक यू सो मच. देखो टीचर्स सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बस मैंने वही कहा कि अप्रोच एक जो रहता है. अभी मेरा अप्रोच है ना, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है. जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बैठता हूँ, वेदर इट इज़ आई टीच ज्योमेट्री, आई टीच साइंस, बहुत साइंस 1 and 2, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाता हूँ. इंग्लिश तो मेरा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब्जेक्ट बहुत पसंद है, इसलिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ. हिंदी पढ़ा लेता हूँ मैं, मेरे क्लास में हिंदी के भी लेक्चर्स मैं ही लेता हूँ. मराठी भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती है, बट आई डोंट टीच मराठी. आई कैन टीच बट आई डोंट टीच. तो जब भी ये सब्जेक्ट्स, और ऑफकोर्स फिर कॉमर्स सेक्शन में भी मैं काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो वेन एवर आई टीच अ सब्जेक्ट आई ट्राई टू थिंक फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्टूडेंट को क्या चीज़ समझ में आएगी, उस एंगल से सोचकर मैं जो भी मेरा लेक्चर है वो बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, उस तरीके से पढ़ाता हूँ, ऐसे एग्जांपल्स लेता हूँ. सो मुझे यही लगता है और कुछ नहीं, ये मेरा एक थोड़ा छोटा सा एक एफर्ट रहता है इन द डायरेक्शन, सो दैट बच्चों को सब्जेक्ट में मज़ा आए, अदरवाइज स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर. आई हैव नेवर सीन स्टूडेंट सिटिंग डाउन एंड स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर. तो इसीलिए ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई चीज़ है. सर बहुत हेल्पफुल है ये लेक्चर, वॉचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम बट वेरी अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच. थैंक यू शारदा, थैंक यू सो मच. चलो ओके, अभी हम लोग बैक टू वर्क. ओके अर्पित, थैंक यू सो मच. अमन, थैंक यू सो मच. चलो अभी एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे हम लोग. एडवर्ब सुना है कि हम लोग ने, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है, टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब. वर्ब इज द एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना, वर्ब एक्शन. तो जो शब्द वर्ब के बारे में ज्यादा बताते हैं, दैट इज आवर एडवर्ब. ये याद हम लोग को, बेसिक याद है हम लोग को. चलो अभी एडवर्ब क्लॉज क्या होता है वो देखेंगे हम लोग. इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या काम करता है? इट क्वालिफाइज या डिस्क्राइब्स द वर्ब और अनदर एडवर्ब फ्रॉम द मेन क्लॉज. सिंपल, एडवर्ब क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब एक वर्ब के बारे में या अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है, डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है. पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच विल बी डिस्क्राइबिंग या टेलिंग अस मोर अबाउट द वर्ब विल बी एडवर्ब क्लॉज. बहुत बड़ा सवाल, हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब क्लॉज. ध्यान से सब लोग सुनेंगे इस बात को, ध्यान से सब लोग सुनेंगे. हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब क्लॉज. मैंने ट्रिक दिया नाउन क्लॉज का, मैंने ट्रिक दिया एडजेक्टिव क्लॉज का, अभी आपके सामने ट्रिक है एडवर्ब क्लॉज का. हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब क्लॉज. सिंपल चीज को याद रखेंगे, सबसे पहला टेस्ट करेंगे नाउन क्लॉज का, आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट. अगर आंसर नहीं मिला, नाउन क्लॉज कैंसिल. फिर जाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज पे, नाउन या प्रोनाउन को अंडरलाइन करेंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन को क्वेश्चन करेंगे, हु, विच, वाई, है ना, हुम. अगर आंसर मिल गया सबॉर्डिनेट क्लॉज में तो इट विल बी आवर एडजेक्टिव क्लॉज. ये ट्रिक भी बताया मैंने. अभी अगर ये भी नहीं है
अगर एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है तो फिर कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। सिंपल, ये है हमारा ट्रिक है। अगर नाउन क्लॉज का टेस्ट फेल हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज का भी टेस्ट फेल हो गया, तो ऑब्वियसली क्लॉज कौन सा बचता है, टाइप कौन सा बचता है? एडवर्ब क्लॉज। सिंपल, एडवर्ब क्लॉज का ट्रिक मिल गया, एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई हो गया। नाउन क्लॉज का टेस्ट करो, नहीं समझ में नहीं है आंसर मिल रहा है, नाउन क्लॉज कैंसिल। एडजेक्टिव क्लॉज का टेस्ट करो, नहीं आंसर मिल रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज कैंसिल। तो बचता क्या है? कुछ नहीं बचता है, सिर्फ एडवर्ब क्लॉज ही बचता है। दिस इज द ट्रिक। इफ इट इज नॉट अ नाउन क्लॉज, नॉट एन एडजेक्टिव क्लॉज, ऑब्वियसली इट हैज टू बी द एडवर्ब क्लॉज। सिंपल, खत्म, खत्म क्लॉजेस, एडजेक्ट नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। पहले दो का ट्रिक आ गया, तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने तुमको बोला था मैं पहले दो ही पढ़ाने वाला हूँ, तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा हम लोग को, खत्म। एक मार्क मुट्ठी में, दो मार्क के लिए आएगा, दोनों मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया सब लोग को? राइट, सिंपल एकदम। टेस्ट फॉर नाउन क्लॉज हमको पता है, टेस्ट फॉर एडजेक्टिव क्लॉज हमको पता है। दोनों टेस्ट में अगर सेंटेंस फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली द सेंटेंस हैज टू बी एन एडवर्ब क्लॉज, खत्म। Abhi has a question, he is from Yavatmal. Sir, I am from Yavatmal, can you make lectures on tenses because it is very confusing. Obviously, tenses ke upar ek bahut achha, bahut bada lecture hai mera. We will be coming out soon with that lecture. In fact, tenses ke andar toh mere paas formulas hai. Jitne bhi tenses hai, har type, jaise perfect continuous past tense, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, जो जितने भी टेंसेज है हर टेंस के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद दैट लेक्चर ऑन टेंसेज। मैं 12 टेंसेज है, 12 के 12 फार्मूला बताऊंगा, वो फार्मूला में फिट बैठता है, खत्म। हमको सिर्फ फार्मूला जानना है, इतना सिंपल बना के रखा हुआ है। इन फोर्थ कमिंग वीक्स एवरी संडे, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी संडे वी आर मीटिंग हियर। हर संडे को करण सर लाइव ऑन यूट्यूब 11 बजे, डेट अपना टाइम जो है वो फिक्स करके रख लो। एवरी संडे 1 ग्रामर टॉपिक 11 AM, एवरी संडे 1 ग्रामर टॉपिक, कोई भी एक ग्रामर टॉपिक हर संडे को करण सर पढ़ाने वाले हैं। तो आपका आपका और मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है हर संडे का, हम लोग मिलने ही वाले हैं। कॉफ़ी विद करण एवरी मंडे मॉर्निंग होने वाला है, कॉफ़ी विद करण नहीं, ग्रामर विद करण, राइट, ग्रामर विद करण सर एवरी मंडे मॉर्निंग। सो जैसे अभी अभी ने बोला है कि सर क्या बोलते हैं टेंसेस, तो वेरी सून वी आर गोइंग टू कम अप विद टेंसेस का लेक्चर। टेंसेस का जो टेंशन है वो सिर्फ खत्म हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज समझ में आया, चलो आगे बढ़ते। जस्ट लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द लेक्चर, लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द लेक्चर, फटाफट अभी ध्यान देंगे, अभी सब लोग ध्यान देंगे, अभी सब लोग लेक्चर के ऊपर, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एडवर्ब क्लॉज में 8-9 टाइप्स रहते हैं। देर आर टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन। तो ये टाइप्स हमको पता रहने चाहिए, बहुत सिंपल टाइप्स है। हर टाइप का मैंने एक स्लाइड बनाया हुआ है और एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। वेरी क्विकली हर टाइप के लिए एक मिनट हम लोग लगाएंगे और 7-8 मिनट में सब टाइप्स खत्म कर देंगे। चलो सब लोग फोकस करेंगे यहाँ पर टाइप्स। थैंक यू निजा, थैंक यू सो मच निजा। चलो ध्यान देंगे, अभी फोकस यहाँ पर, अभी फोकस सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस मैंने बताया 7-8 टाइप्स है, हम लोग को टाइप्स पता रहने चाहिए। हर टाइप का मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, हर टाइप का एक एग्जाम्पल देखेंगे। 7-8 मिनट में टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट अस सी, आइडेंटिफाई हो गया, ट्रिक तो मिल गया हमको। चलो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। इतना आ गया तुमको, टाइप्स भी बता दिया अगर तुमने, तो तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को डरा सकते हो। अरे तुला माहिती है क्या टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस? फक्त एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई करत नाही, मी टाइप भी आइडेंटिफाई करतो। हम टाइप भी आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सबसे पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, थैंक यू। चलो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम समय के बारे में बताएगा, टाइम के बारे में बताएगा। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है विल बी टेलिंग अस मोर अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन, टाइम ऑफ द वर्ब। यस, ध्यान से देखो, वी विल आस्क द क्वेश्चन व्हेन। टाइम है तो व्हेन की बात होती है ना, व्हाट टाइम आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, है ना। टाइम है तो वेन ही क्वेश्चन आने वाला है, वी आस्क द क्वेश्चन व्हेन, याद रखो। सबऑर्डिनेटर्स जनरली यूज, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। सामने देखो, ये सबऑर्डिनेटर्स टाइम वाले ही है, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, ऑल दीज सबऑर्डिनेटर्स टॉक अबाउट टाइम, येस और नो। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई विल कम आफ्टर यू, है ना। तो ये सब जो वर्ड्स है, बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हेन आर यू कमिंग,
राइट, ये जो भी सब जब वर्ड्स है, ये जो भी कंजंक्शन है, दीज ऑल ऑफ दीज टॉक अबाउट टाइम. तो ये वाले कंजंक्शंस, ये वाले सबॉर्डिनेटर्स यूज होने वाले कहाँ पर? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के यहाँ पर यूज होने वाले. वेन एवर देर इज गोइंग टू बी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जनरली ये सबॉर्डिनेटर्स सारे यूज होने वाले हैं. सबॉर्डिनेटर्स ध्यान से देखेंगे तो दे टॉक अबाउट टाइम. वी आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन व्हेन, आंसर मिला एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. सिंपल. चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एक ही एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल में टॉपिक खत्म हो जाएगा. वन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप. कंप्लीट इट बिफोर यू लीव. कंप्लीट इट बिफोर यू लीव. कंप्लीट इट, ये मेरा मेन क्लॉज. बिफोर यू लीव, ये मेरा सबॉर्डिनेट क्लॉज. व्हेन, बिफोर यू लीव, कब कंप्लीट करना है? जाने से पहले. आंसर मिला हमें सबॉर्डिनेट क्लॉज में, व्हेन का आंसर मिला, राइट. दूसरा सबॉर्डिनेटर देखो, बिफोर आया क्या सबॉर्डिनेटर बिफोर हमारा? यस और नो? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. सिंपल. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज टेलिंग अस मोर अबाउट दिस एक्शन ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ द एक्शन ऑफ कंप्लीशन. कब कंप्लीट करना है? जाने से पहले, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. समझ में आया सब लोग को? चलो बताओ मेरे को फटाफट फटाफट, समझ में आया क्या? पहला समझ में आया तो बाकी के फटाफट हो जाएंगे हमारे. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज टेलिंग अस मोर अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन ऑफ कंप्लीशन. कंप्लीट करना, ये हमारा वर्ब है. कंप्लीट वर्ब है मेरा, टू कंप्लीट. यस, तो ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस इस वर्ब के बारे में ज्यादा बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, राइट. और टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम ऑफ एक्शन, इसीलिए सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. पूरा मार्क मिलेगा हमको, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, चलो ग्रेट. आगे रिस्पॉन्सेस, अगला वाला देखेंगे. एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस सेकेंड है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, वेयर, वेर एवर, है ना, प्लेस, जगह. जब हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज प्लेस के बारे में बता रहा है, इट विल बी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. सिंपल. चलो देखो, आस्क द क्वेश्चन वेयर. सिंपल, प्लेस है तो वेयर ही ना. चले संध्याकाळी जायचं, कुठे? वेयर ही पूछेंगे ना हम लोग, तो प्लेस का आंसर है ना. तो बाबा महाबलेश्वरला जायचं, लोणावळ्याला जायचं, वडापाव खायला जायचं, फटके खायला जायचं, वॉट एवर इट मे बी. येस, वेन द एडवर्ब क्लॉज इज टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, इज आन्सरिंग द क्वेश्चन वेयर, इट विल बी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. देखो आगे, सबॉर्डिनेटर्स यूज्ड, वेयर, वेयर एवर. जनरली ये सबॉर्डिनेटर्स यूज होने वाले, जनरली वेयर, वेयर एवर. वेयर, वेयर एवर आता है तो तुरंत प्लेस का ही बात होता है ना, तो ये ट्रिक भी हो गया हमारा. एग्जाम्पल, द चाइल्ड गोज वेयर हिज मदर गोज. जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, मतलब माँ जहां जाती है बच्चा वहीं चला आता है. द चाइल्ड गोज, मेन क्लॉज. वेयर हिज मदर गोज, सबॉर्डिनेट क्लॉज. वेयर डज द चाइल्ड गो, वेयर किया क्वेश्चन हमने, मेन क्लॉज को हमने क्वेश्चन वेयर किया. कहाँ जाता है बच्चा? जहां पर उसकी माँ जाती है. इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर. मैंने पूछा था ना, बोला था ना आस्क वेयर. हमने वेयर क्वेश्चन किया मेन क्लॉज को, हमें आंसर मिला सबॉर्डिनेट क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. सिंपल. समझ में आया क्या? देखो, इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर. टाइम के लिए इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन. इतना सिंपल कौन करेगा? अरे बाबा, मैं करूंगा. चलो, ये हो गया क्या? आगे बढ़ते हम लोग. चलो, चार पांच ही टाइप्स रह गए. फटाफट फटाफट, एक एक ही मिनट लगने, ज्यादा टाइम लगाने नहीं वालों. सोच कर ही आया था, ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, सिंपल करना है, बच्चे खुश होने चाहिए. एट द एंड ऑफ द लेक्चर माई स्टूडेंट शुड बी स्माइलिंग. यस, वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव एंजॉयड द लेक्चर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ है, ये हमको आनी ही चाहिए. माई एंटायर एनर्जी इज फोकस ऑन वन थिंग, कि जब मैं ग्रामर सिखाता हूँ वो ग्रामर समझ में आना ही चाहिए बच्चों को. ओके, चलो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया. नेक्स्ट, जस्ट वी विल हैव अ लुक एट द थर्ड टाइप, थर्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. हम कैसे है? मैनरलेस है सर, है ना. तो ये उसका कंप्लीटली अपोजिट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. हाउ, है ना, मैनर ऑलवेज टॉक्स अबाउट हाउ. कैसा गाड़ी चला रहा था सर? बहुत फास्ट चला रहा था. कैसा पेपर गया सर? बहुत खराब गया. तो इट इज टॉकिंग अबाउट मैनर, इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ द एक्शन इज डन. वर्ब जो है, एक्शन है, वो कैसे हुआ, इट इज टॉकिंग अबाउट मैनर. एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. आज द, चलो आगे, सॉरी.
थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच, थैंक यू अभी. चलो चलो चलो, खत्म नहीं हुआ अभी भी, यहाँ पर फोकस. आस्क द क्वेश्चन हाउ, वी विल आस्क द क्वेश्चन हाउ. कैसा गाड़ी चलाया सर? बहुत फास्ट गाड़ी चलाया. कैसा सीखाया सर? ले भारी सीखाया. एड अ क्लॉज ऑफ मैनर. चलो यहाँ पर सबऑर्डिनेटर्स यूज एज इफ ही वॉज रनिंग, एज इफ देर वॉज अ डॉग बिहाइंड हिम. कैसा भाग रहा था सर? जैसे कि उसके पीछे एक डॉग पड़ा हुआ था. मैनर दिखा रहा है. एज इफ, एज, हाउ, दीज आर द सबऑर्डिनेटर्स विच जनरली विल बी यूज इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. कैसा पढ़ रहा था सर? बहुत ध्यान देकर, फोकस करके, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा था. हाउ, एज, एज इफ, याद रखो, इट विल आंसर द क्वेश्चन हाउ. एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे. चलो 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 चलो, अभी यहाँ पर फोकस, स्क्रीन के ऊपर फोकस. चलो, ही रैन एज इफ इट वॉज द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे. सेंटेंस आया, ही रैन एज इफ इट वॉज द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे. ही रैन, कंप्लीट सेंटेंस, मेन क्लॉज. ही रैन, वो भागा, मेन क्लॉज. एज इफ इट वॉज द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे, सबऑर्डिनेट क्लॉज. कैसे भागा? एज इफ इट वॉज द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे. हाउ डिड ही रन? एज इफ इट वॉज द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे. कैसे भागा? ऐसे भागा जैसे कि वो दिन का आखिरी ट्रेन था. इतना तेज भागा. इट इज टेलिंग अबाउट द मैनर ऑफ रनिंग. इट इज टेलिंग अबाउट द मैनर ऑफ एक्शन. हेंस इट इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. सिंपल. एज, एज इफ, हाउ, आया ना यहाँ पे एज इफ. इतना ही याद रखना, मैनर, हाउ, एज इफ, एज. सिंपल बता रहा है कि कैसे एक्शन हुआ, कब एक्शन हुआ, व्हेन, कहाँ एक्शन हुआ, वेयर, कैसे एक्शन हुआ, हाउ. सिंपल. एड अ क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर. खत्म. चलो, नो डाउट, तो बहुत अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. तीन क्लॉजेज हो गए, तीन टाइप्स ऑफ एड अ क्लॉजेज हो गए. चौथा, दो चार ही और बचे, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे. एड अ क्लॉज ऑफ कंडीशन. तुम रखते ना कंडीशन, मम्मी बोली जा बेटा ब्रेड लेके आ, मम्मी मेरे को टीवी देखने देंगी, मोबाइल खेलने देंगी, दोस्त के पास जाने देंगी, सोने देंगी, तो ही ब्रेड लेके आऊँगा. कंडीशन रखते कि नहीं रखते? अरे पाप लगेगा, माँ को कंडीशन रख के काम करेंगे तो जीवन में पाप लगेगा, ऐसा काम मत करो. यहाँ पर ध्यान दो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन देखेंगे. सबऑर्डिनेटर्स, इफ, वेदर, अनलेस, कोई एक कंडीशन. यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड. सुनो ध्यान से सेंटेंस को, मैं लिख रहा नहीं हूँ सेंटेंस, सिर्फ ध्यान से आंखों के सामने सेंटेंस लाना है. यू विल नॉट पास अंटिल यू वर्क हार्ड. You will not understand English until you watch Karan sir's lecture. क्या बात है, example live बन गया. ध्यान से, condition रखा, pass होने के लिए condition क्या रखा? जब तक तुम hard work नहीं करते तब तक तुम pass होने वाले नहीं है. Pass होने की जो क्रिया है, जो action है, उसको fulfill करने के लिए there is a condition. What is the condition? You will not pass until you work hard. ये condition जो है वो बन जाती है adverb clause of condition. समझ में आया सबको? चलो, सबऑर्डिनेटर्स बताए मैंने, इफ, वेदर, अनलेस, ठीक है. सेंटेंस देखेंगे और सिंपल होएगा. देखो यहां पर इरेज कर देता हूं. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. अगर तुम हार्ड वर्क करेंगे तुम पास होंगे. यू विल पास, मेन क्लॉज. देखो मेन क्लॉज सेंटेंस के आखिरी में आया है. मेन क्लॉज सेंटेंस के आखिरी में आया है. जरूरी नहीं है कि मेन क्लॉज हमेशा पहले ही आएगा, कभी कभी बाद में भी आ सकता है. इफ यू वर्क हार्ड, सबऑर्डिनेट क्लॉज. कंडीशन है इफ, इंडिकेटर आ गया, ट्रिक आ गया. इफ आया, हो सकता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है. कंडीशन रखा है क्या? हाँ, पास होने की जो क्रिया है उसके लिए कंडीशन क्या है? यू नीड टू वर्क हार्ड. इफ यू विल वर्क हार्ड ओनली देन आर यू गोइंग टू पास. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. समझ में आया सब लोग को? यस. अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, अगर, इफ, अनलेस, वेदर, ये सब जब कंडीशन फुलफिल होगी तो जाके ये एक्शन होगा. तो कंडीशन का आंसर हमको मिल रहा है यहाँ पर. कंडीशन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. सिंपल. आई होप दिस इज क्लियर. चौथा वाला खत्म. अगला, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन. कोई तो भी एक रीजन, बिकॉज, रीजन, याद आ रहा है? गिव रीजन में बिकॉज लिखते, याद आ रहा है क्या? ज्योग्राफी में गिव रीजन आते हैं, साइंस में गिव रीजन आते हैं, तो हर बार हम लोग बिकॉज यूज करते हैं. कभी कभी हम लोग सिंस भी यूज करते हैं. I am late since I was doing my homework. है ना? Since का time से भी मतलब है, since का because से भी मतलब रहता है, reason से भी मतलब रहता है. तो वो याद रखना, because और since. Simple. Reason.
बिकॉज आई हैव रीजन, सिंस आई हैव रीजन. सिंस का टाइम से भी मतलब रहता है. आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये वाला अलग है. आई वॉज लेट टू द क्लास सिंस आई वॉज कीपिंग अ वॉच ऑन माई यंगर ब्रदर, आई वॉज विथ माई यंगर ब्रदर, सिंस द टायर वॉज फ्लैट, है ना. तो रीजन भी आता है, एड ऑफ क्लॉज ऑफ रीजन, सिंपल. मेरे को तो एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं है, शायद समझ में आ गया रहेगा. चलो, सबऑर्डिनेटर्स यूज बिकॉज एज सिंस, सिंपल. ये वाले सबऑर्डिनेटर्स हमेशा रीजन के लिए यूज आते हैं. एग्जाम्पल, एज शी वर्कड हार्ड शी पास्ड हर आई एस एग्जाम्स, सिंपल. शी पास्ड हर आई एस एग्जाम्स, मेन क्लॉज. एज शी वर्कड हार्ड, सबऑर्डिनेट क्लॉज. स्टेप भूलने का नहीं है, डायरेक्ट जंप करना नहीं है. अभी ध्यान से देखो, शी पास्ड हर आई एस एग्जाम्स, क्या रीजन था, वॉट वॉज द रीजन? बिकॉज शी वर्कड हार्ड, एज शी वर्कड हार्ड. वाई डिड शी पास? बिकॉज शी वर्कड हार्ड. वाई का आंसर मिल रहा है हमको, रीजन मिल रहा है हमको. पास होने का कारण क्या है, रीजन क्या है? बिकॉज शी वर्कड हार्ड. हमारा सबऑर्डिनेटर एज आ गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, सिंपल. समझ में आया है आप लोग को? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, हमको बिकॉज, एज, सिंस, वाई का आंसर मिलेगा, रीजन मिलेगा हमको. सबऑर्डिनेट क्लॉज में रीजन मिलेगा, रीजन मिला ना. पास होने का क्या रीजन है? पास होना इज एन एक्शन, उसका रीजन क्या था? बिकॉज शी वर्कड हार्ड, खत्म. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस, हमारा मेरे ख्याल से ये फिफ्थ या सिक्स टाइप है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट, कुछ काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा. पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे, तेज दौड़ेंगे तो फर्स्ट आएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो मार खाएंगे, उल्टा बोलेंगे माता पिता को तो पाप लगेगा. तो देर इज एन एक्शन जिसका एक रिजल्ट है, जिसका एक कॉन्सिक्वेंस है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, सिंपल. ध्यान से देखो, सबऑर्डिनेटर्स यूज सो डैश 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 दैट, सच डैश 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 दैट, ही वर्कड सो हार्ड दैट ही पास्ड, ही स्टडीड सो हार्ड दैट ही टॉप्ड द एग्जाम. हो सकता है ना? ध्यान से अभी एग्जाम्पल में समझ में आएगा, पहले इतना याद रखो. सबऑर्डिनेटर्स कौन से यूज हो रहे हैं? सो डैश 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 दैट या सच डैश 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 दैट. सेंटेंस आया देखो, ही वर्कड सो हार्ड दैट ही पास्ड, ही वर्कड हार्ड, ये हमारा मेन क्लॉज. So that, अभी यहां पर ये पार्ट देखो, that he passed, subordinate clause. अभी working hard इस action का result हमें यहां पर मिला subordinate clause में. Working hard इस action का result हमें subordinate clause में मिला. We got the consequence, we got the result of this action in the main clause. Main clause के action को ये describe कर रहा है, इसलिए ये adverb clause हो गया. और ये हमें result दे रहा है, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमको रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, सिंपल. समझ में आया? मेन क्लॉज में कुछ एक्शन है जिसका कॉन्सिक्वेंस, जिसका रिजल्ट हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिलने वाला है, इट विल बी द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट. फिनिश. आई होप दिस इज क्लियर. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, कंडीशन, रिजल्ट, सब टॉपिक क्लोज हो गए. इतना सिंपल है, बस हमें ये दो तीन वर्ड यूज ध्यान में रखने हैं. बट टाइम है तो व्हेन, मैनर है तो हाउ, प्लेस है तो वेयर, रीजन है तो व्हाई, कंडीशन है तो सॉरी रिजल्ट है तो एक्शन का रिजल्ट आने वाला है. सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमको कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा. चलो, अगला है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन. ये जो हमारे साथ जिंदगी भर होते ही आया है, मौशीच्या मुलाला बघ, काका के बेटे को देखो, चाचा की लड़की को देख, शर्मा जी के बेटे से सीखो. याद है ना, शर्मा जी का बेटा बहुत फेमस है हमारा, हमेशा टॉप करता है. तो देर इज ऑलवेज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रखो. देर इज ऑलवेज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो प्रॉपर्टी, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. तो जब कभी कहीं पर कंपैरिजन आएगा क्लॉज में, तो समझ जाना इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. अभी कंपेयर करने के लिए एज, नॉट एज गुड एज, है ना, या देन, बेटर देन, कंपैरिजन यूज करने के लिए ये वर्ड जनरली यूज होते क्या नहीं होते, तो ये हमारा ट्रिक है. एग्जाम्पल देखो, ही इज टॉलर देन हिज मदर, ही इज टॉलर, फुल स्टॉप, मेन क्लॉज, देन हिज मदर, सबऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ही एंड द मदर, देर इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, मदर एंड ही, उसकी हाइट और माँ की हाइट में कंपैरिजन हो रहा है. हमारा सबऑर्डिनेटर आ रहा है देन. There is comparison of tallness of the mother and the child.
बेटे और माँ के टॉलनेस का कंपैरिजन हो रहा है, टॉलनेस कंपैरिजन करने के लिए सबॉर्डिनेटर दैन यूज हो रहा है, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। इसमें तो ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं हमको, कंपैरिजन हो रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करो, सबॉर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करो, समझ में आया, खत्म, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। देखो जरा दो मिनट में दो तीन क्वेश्चन है वो चैट्स में वो पढ़ लेता हूँ पहले। अनामिका बिश्वास हैज अ क्वेश्चन, सर डू यू हैव अदर ब्रांचेस, वेयर कैन वी गेट एडमिशन? ओके अनामिका, वी हैव वन ब्रांच इन विश्रांतवाड़ी एंड अनदर ब्रांच इन योरडा, दो ब्रांचेस हैं हमारे, एक ब्रांच विश्रांतवाड़ी में है जहाँ पर विश्रांतवाड़ी, टिंगरे नगर, धानोरी, कड़स, लोहेगांव, इस एरिया के स्टूडेंट्स आते हैं। दूसरा ब्रांच येरोड़ा में है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम सेटअप, सेम टीचर्स, सब सेम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर येरोड़ा में भी है, जहाँ पर पूरा येरोड़ा के स्टूडेंट्स, फुले नगर के, शास्त्री नगर के, कल्याणी नगर के, ढोले पाटिल रोड के, नागपुर चल के, ये सब एरिया के स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं। दी एंटायर टीम इज़ द सेम टीचिंग एट बोथ द प्लेसेस, पूरा सेटअप सेम है दोनों जगहों पर। 8th, 9th, 10th SSC बोर्ड, 11th, 12th कॉमर्स, आप मेरा नंबर नीचे अवेलेबल है, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी फॉर डिटेल्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन्स आर ओपन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, एडमिशन्स आर ओपन राइट नाउ। ऑल्सो वी आर रनिंग अ फ्री सीरीज ऑन द 9th, 8th and 9th स्टैंडर्ड डेली ऑन जूम ऐप, मेरी तरफ से एक फ्री सीरीज ऑफ मैथ, साइंस एंड इंग्लिश चल रहा है डेली ऑन द जूम ऐप, तो उसमें भी अगर 8th और 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ज्वाइन होना चाहते हैं तो दे कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको स्क्रॉल होते हुए दिखता रहेगा, अगर नहीं दिख रहा है तो यू कैन राइट इट डाउन, इट इज़ 9881566686, 9881566686, एडमिशन्स आर ओपन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड, स्टेट बोर्ड, 11th, 12th स्टेट बोर्ड, कॉमर्स सेक्शन, एंड ऑफकोर्स मेरा प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट तो है ही, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, तो उनके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, राइट? ऑल नोट्स आर अवेलेबल अलॉन्ग विद ऑन एडमिशन, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मेरे तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? सो यू कैन जस्ट इंक्वायर ऑन दिस नंबर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन समझ में आया, अभी नेक्स्ट रहेगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, कुछ तो पर्पस है ना, देखेंगे हम लोग सबॉर्डिनेटर्स यूज, सो दैट इन ऑर्डर दैट व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, कुछ पर्पस है तो दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो सबॉर्डिनेटर्स, सो दैट आई एम वर्किंग हार्ड, सो दैट इन ऑर्डर दैट, है ना, हम लोग जब कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारा पर्पस हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से, ही लिव्स सो दैट ही कैन ईट, ही लिव्स सो दैट ही कैन ईट, फिर से सेंटेंस सुनते ही मेरे कुछ बच्चों के शक्ल मेरे आंखों के सामने आ चुकी है, वो जिंदा इसीलिए है सो दैट ही कैन ईट, उसका पर्पस क्या है जीने का, लिव्स इज द एक्शन, इज द वर्ब, सो दैट ही कैन इट, क्यों जिंदा है, ताकि वो खा सके, सो दैट इन ऑर्डर दैट, वी आर गेटिंग सम पर्पज ओवर ईयर, ये जो एक्शन है लिव्स उसका पर्पज क्या है, उस एक्शन का पर्पज क्या है, सो दैट ही कैन इट, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कैन टॉप, ही इज वर्किंग मोर आवर सो दैट ही अर्न्स मोर, तो पर्पज है, जो भी हमारा एक्शन है उसका कुछ तो भी पर्पज है, उसका कुछ तो भी हमारे दिमाग में हेतु है, हम कुछ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, सो दिस विल बी एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, वेन एवर there is a purpose to the action, to the verb in the main clause. Main clause में जो verb है उसका कुछ purpose है, कुछ achieve करने के लिए हो रहा है, it will be adverb clause of purpose. Simple. Thank you Ravindra, thank you so much. Okay, Rajesh, Rajesh Bansal is from Dehu Road से भी बच्चे आए हैं, thank you so much, thank you so much Rajesh, thank you. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, जब भी हमारा कोई एक्शन है नाउन क्लॉज में, सॉरी मेन क्लॉज में, उसका कुछ पर्पस हमें सबॉर्डिनेट क्लॉज में दिख रहा है, इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, दैट इज इट, खत्म, हमारे क्लॉजेस खत्म हो गए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज नहीं है तो एडजेक्टिव क्लॉज का टेस्ट, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है तो कोई टेस्ट ही नहीं है, डायरेक्टली हमारा मेन जो क्लॉज है वो एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज में मैंने आप लोग को टाइप्स बता दिए, राइट? आई होप दिस इज क्लियर,
आई होप सबको समझ में आया रहेगा, है ना। एक क्विक रिकैप करेंगे हम लोग, फटाफट रिकैप करेंगे। दिस इज द लास्ट स्लाइड, अभी इसके बाद और मेरे पास स्लाइड्स नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, दो मिनट के अंदर हम लोग रिकैप करेंगे। क्लॉजेस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो पार्ट्स रहते हैं, एक मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, सिर्फ विजुलाइज करने का है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो विजुलाइज करना है। मेन क्लॉज इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सबॉर्डिनेट क्लॉज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस एंड इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज। अपने पूरे मीनिंग के लिए इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज अकेला आएगा तो कंप्लीट सेंटेंस, सबॉर्डिनेट क्लॉज अकेला आएगा तो कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं है। सिंपल, सबसे पहले हम मेन क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स पे आएंगे। टाइप्स क्या है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, आस्क द क्वेश्चन व्हाट टू द मेन क्लॉज, आंसर अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज में मिलता है खत्म, नाउन क्लॉज। एक ही ट्रिक, आस्क द क्वेश्चन व्हाट टू द मेन क्लॉज, इफ यू गेट द आंसर इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज इट इज नाउन क्लॉज। अगर आंसर नहीं मिल रहा है, स्टेप टू क्या है? स्टेप टू इज टेस्ट फॉर एडजेक्टिव क्लॉज, हु, whom, which। नाउन क्लॉज, मेन क्लॉज के अंदर एक नाउन या प्रोनाउन रहेगा एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज विल टेल अस मोर अबाउट दैट नाउन और द प्रोनाउन। जो सबॉर्डिनेट क्लॉज रहेगा इट विल टेल अस मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन, इट इज क्वालिफाइंग, डिस्क्राइबिंग द नाउन और द प्रोनाउन। हु, whom, which, ये सवाल करेंगे उसके आंसर हमको मिलेंगे तो इट इज एडजेक्टिव क्लॉज। सिंपल, एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन, खत्म। ये दोनों अगर नहीं है तो बचता क्या है? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को कोई ट्रिक ही नहीं है, अगर पहले दो टेस्ट फेल हो गए तो तीसरा एडवर्ब क्लॉज ही रहता है। अभी एडवर्ब क्लॉज 7-8 टाइप्स है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम व्हेन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस वेयर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन व्हाई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हाउ, है ना। फिर उसके बाद हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट देखा कि इस तरीके से एक्शन हुआ कि देर इज सम रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। फिर हमने लास्ट वाला देखा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, जो भी एक्शन था उसको अचीव करने के लिए देर वॉज सम पर्पस टू अचीव, देर वॉज सम पर्पस इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो ये हो जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, खत्म। हम दो मिनट में मुंह जबानी क्लॉजेस किसी को भी बता सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, दैट्स इट। टॉपिक यहाँ पर क्लोज हो जाता है, वी आर डन विथ क्लॉजेस। आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड क्लॉजेस, आई होप यू हैव एन्जॉयड द लेक्चर। यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी फॉर नोट्स ऑफ दिस लेक्चर, PDF में आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे। इस जो नोट्स है उसमें आपको एक्सरसाइज भी मिलेगी टू सॉल्व, जिसमें एक्सरसाइज के साथ आंसर्स भी रहेंगे। सो यू कैन जस्ट टेस्ट योर सेल्फ एंड यू कैन चेक वेदर यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक और नॉट। क्लॉजेस जब भी हम पढ़ेंगे ये चार चीज़ें ही याद रखनी है, मेन क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, टेस्ट। उसके बाद मेन क्लॉज को आस्क द क्वेश्चन व्हाट फॉर द नाउन क्लॉज, नहीं तो एडजेक्टिव क्लॉज पे हु, whom, which, इट हैज़ टू टेल अस मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन, अगर नहीं तो एडवर्ब क्लॉज, और टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस मैंने आपको सिखा दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यू कैन गेट बैक टू मी, दिस लेक्चर इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बाई चांस कोई लेट ज्वाइन हुआ है, कुछ मिस आउट हुआ है या किसी का इंटरनेट का इशू है, तो द लेक्चर इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज माई सीरीज ऑन इंग्लिश ग्रामर, वी आर गोइंग टू मीट रेगुलरली। जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। वाई? बिकॉज देखो, बहुत बार बच्चे इंग्लिश ग्रामर से, मैंने आपसे कहा कि दूर भागते हैं, उनको उनके पास मीडियम नहीं है सीखने का, तो दिस इज़ दैट प्लेटफॉर्म, दिस इज़ दैट मीडियम। ये लिंक शेयर करोगे लोगों को तो उनको सीखने मिलेगा, टॉपिक समझ में आएगा और दो मार्क्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दो मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, राइट? सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, आई एन्जॉयड अ लॉट। आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, इट इज़ बीन अ हार्डनिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। I really enjoyed this first lecture of mine and hope to see you again in the next lecture. Jo bhi next lecture rahega uska update aapko milta rahega. Just subscribe to the channel and uske upar link milta hi rahega aap log ko. I have already told you ki we are going to meet every Sunday and every grammar topic slowly har ek grammar topic isi tarike se hum log seekhenge and khatam kar denge. और हर टॉपिक का नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, राइट? दैट्स इट, थैंक यू सो मच, डू टेक केयर, गुड बाय।